औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की अहम तरीन खबर, आज से 4 महीने पहले पाक पॉलिटिका ने खबर दी थी जिसका थंबनेल भी टाइटल में चल रहा है, दुनिया को दिवालिया करने वाला अमेरिका खुद दिवालिया हो सकता है। अब जो सूरत हाल सामने आ रही है, अगर अमेरिका में जो बाइडन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कर्ज लेने के हवाले से कानून साजी न हुई तो अमेरिका डिफॉल्ट कर सकता है। इस वक्त अमेरिका का कुल कर्जा 31 ट्रिलियन डॉलर है। कानून साजी कर्ज की हद मुकर्रर करने से मुतालिक है। आज़ाद माशी माहिरीन कहते हैं कि अब मजीद चंद दिन कानून साजी ना हो सकी तो अमेरिका डिफॉल्ट कर सकता है, जिसके बाद अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो सकती हैं। अगर अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुई तो सबसे ज़्यादा यूरोप की मार्केट मुतासर होंगी और डॉलर की गिरावट इतनी तेजी के साथ होंगी कि पाकिस्तान समेत थर्ड वर्ल्ड ममालिक एक बड़े बहरान का शिकार हो सकते हैं। तो याद रहे, रूस स्विफ्ट सिस्टम की पाबंदी के बाद चाइना के मुतबादल सिस्टम सिप पर शिफ्ट हो चुका है और पाकिस्तान भी रूस के साथ बराह रास्त शिपिंग के हवाले से चाइना के सिस्टम सिप पर रकम की चाइनी करेंसी में तरसील शुरू कर दी है। क्या अमेरिका का ताज़ा बहरान दुनिया के लिए खतरे की घंटी या नए वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी सब दुनिया पर जल्द आया होने जा रहा है। हमें इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।